इलाके नहीं है, शहर दिखाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस बढ़ी से गपशप की? असल में सीन ये हुआ है कि हम गपशप करा रहे थे तो हमसे आमिर मेट्रो स्टेशन पर उतरना था, उससे हम आगे आ गए वापस, अभी हमें मेट्रो ले गई। सारी गलतियाँ तुम्हारी, गलत से हमने सारी। तो हम जा रहे थे देरा सिटी सेंटर, देरा सिटी सेंटर जा रहे थे, लेकिन गपशप करते हुए जो है ना हमें पता ही नहीं चला और हमने मेट्रो जो है ना एक स्टेशन क्रॉस कर लिया। अभी हम आए जजीको पे, जजीको से अभी वापस देरा सिटी सेंटर जाएंगे और फिर देरा सिटी सेंटर के अंदर का माहौल भी आपको दिखाएंगे। बहुत दुबई का सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े सिटी सेंटर्स में शुमार होता है। शॉपिंग मॉल्स, कैरीफोर, शरफ लीची, बाकी जो बड़े बड़े जो है ना कंपनीज हैं वहाँ पे उनके स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हम अभी वापस आ चुके हैं जी, जीको से वापस देरा सिटी सेंटर आए और दोनों को जगह देनी पड़ती है। ये रास्ता है जिसमें लिखा हुआ है नीचे, वहाँ पे जो है ना लेफ्ट साइड पे आप वॉक करेंगे और राइट साइड पे जो अगर आप खड़े होना चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं इसके लेट के, तो फिर जो है ना आप खड़े होके जा सकते हैं। ये बात तो मुझे नहीं पता थी। हाँ, ये देखो ना अच्छा, तो अभी हम मॉल के अंदर आ चुके हैं और देरा सिटी सेंटर मॉल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे पांच वक्त की जो अजान सुनाई देती है आपको, मतलब है स्पीकरों के अंदर आपको अजान सुनाई देगी, ये यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी बात है। हर मॉल में जिधर भी जाओगे वहाँ पर जो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। तो हमारे साथ रहिएगा, सुनते हैं आपको अराउंड जो है दिखाते हैं। बड़ा बिजी आज वीकेंड है। ये है देरा सिटी सेंटर के का मेन जो पॉइंट है, अच्छा सा नज़ारा है आसपास। सही रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं खैर है, कल हाँ छोड़ो ना उनको, उनको छोड़ो अभी, छोड़ो एक बार काम भाई तो दिखो ना दोनों पाकिस्तानी को शिशके बताओ। मज़े में भाई खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं वो, मैं तुम्हें समझा दूँगा सुबह, ठीक है? कॉल भी लेना, मैं तुम्हें बता दूँगा। टैक्सी वाले से बात करना, तुम तो बात नहीं करूँगा मैं तो बात नहीं है, बस वो ये काफ़ी बड़ा है जो बड़ा अच्छा व्यू है। भी जो है विजिबल है, 1, 2, 3 आप कितने स्टोर में वहाँ पर मेन पॉइंट है। यहाँ पे एस्केलेटर भी है और
आसपास मैं खामोश ही रहेगा, शांत ही रहेगा, मैं खामोश रहूँगा अपने ब्लॉग में, ये स्पीच करेगा। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो आप अपने जो है ना अनुभव के साथ बोलते रहिएगा। लेकिन अभी तक जो है ना मास्क का इशू चल रहा है, इसलिए मास्क वगैरह उतार नहीं सकते, इनके लिए लोग बुरा मान जाते हैं। गेट वन फ्री, तो उसको जो ना अभी ये बोल रहे हैं कि दो तुम ले लो और एक जो ना एक मुझे दे दो, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं। अच्छा, तो अभी हम बाहर आ चुके हैं वापस सिटी सेंटर से, और आई होप कि आपने सिटी सेंटर को खूब इंजॉय किया होगा और हर चीज़ के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो अभी हम जाएंगे आगे मज़ीद नाइट सिटी वॉक पे। सालम भाई हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ ही रहोगे। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहेंगे, तो लेट्स गो एंड विल शो यू अराउंड मोर प्लेसेस। अच्छा, तो ये अभी हम अरेगा मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं टुवर्ड्स यूनियन मेट्रो स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम आपको नाइट सिटी वॉक पे लेके जाएंगे। सिटी सेंटर से हम आए हैं मेट्रो में अरेगा मेट्रो स्टेशन तक। अरेगा से बाहर आके अभी बाई वॉक जा रहे हैं यूनियन की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी स्टार्टर खाएँगे शर्मा और साथ में चार। तो उसके बाद रूम में जाके कोई प्रोग्राम है हैवी किस्म का, क्योंकि दोस्त आए हुए हैं, एक शारजा से आया हुआ है और एक गर्म बशा से आया हुआ है। तो शारजा से जो आया हुआ है उसके बारे में आपको अभी उससे आपको मिलवाते हैं। तो शारजा वाला दोस्त, आप क्या कहना चाहते हैं? सो बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके मुजम्मिल भाई। एज यूजुअल आप जब भी आपके पास आएँ तो आप बड़ी खिदमत करते हैं और बड़ी खिदमत का मौका देते हैं आप, तो इसलिए हम हमेशा बड़े खुश होते हैं जब भी हम मुजम्मिल भाई के पास आते हैं। क्योंकि यार हमारा ना, हम जो है तकरीबन 2014 से हम साथ में, ठीक है, मुजम्मिल भाई हो गया, मैं हो गया, सालिम हो गया। सो मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं यूएई में आया तो हम तीनों ने एक ही कंपनी को ज्वाइन किया था। सो तब से जो है अब तक हमारी बॉन्डिंग है। ऐसा बहुत कम होता है यूएई में कि आप लोग जो है इतने टाइम के बाद भी इकट्ठे हों। दैट्स आप जो है, आपने कई जगह, मैंने कई जगह काम किया, कई कंपनीज के साथ काम किया, लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग रह जाती है। इट्स कॉल्ड स्पिरिट। या सो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिट। सो मतलब कि आप समझ जाएंगे, यूएई में सिर्फ मेरे तीन ही दोस्त हैं
दोस्त तो बहुत हैं, ये बात नहीं करूँगा, दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन अभी जो है वो क्लोज जिनके साथ उठना बैठना, सो इनके साथ उठना बैठना हर वीकेंड पे हम साथ बैठते हैं, मतलब एक लाइफ को भी हम गए हैं, इतना वॉक किया है, मतलब यहाँ से हम सिटी सेंटर गए हैं, सो ये सीन है। सालन की तरफ जाते हैं, सालन से आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सालम आए स्पेशल आज बस से आए, बच्चा अमल भाई ने कॉल की है, कह रहे हैं कि यार आ जाओ। अच्छा अच्छा मेरे साथ ये सीन है कि मेरी बस मिस हो गई। हाँ सुन तो सही ना, बिल्कुल सुन सुनूंगा तो फिर मजा आया इतना। हाँ सुनता हूँ उस देखो सर, ये आपकी जब आपकी जब कॉल शेयर करो तो सालम भाई जो है ना और हादी दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं, क्योंकि मैं अक्सर में दो छुट्टियाँ होती है, रूम में बंदा बोर हो जाता है तो दोस्त आते हैं, मिलते हैं, बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो वीडियो है रील आ गए, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको मजीद जो है आगे लेके जाएंगे, तो फिलहाल हम आ रहे हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपके साथ।